अभी हूँ वर्तमान मंत्री नीरज कुमार जी के साथ। कल तेजस्वी जी ने एक आरोप लगाया है कि क्या पुलिस का जो महकमा है वो क्या जदयू प्रकोष्ठा एक बना ली है या जदयू चला रही है पुलिस को। अज्ञात प्रवास से लौटे हुए कैदी नंबर 3351 माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, जिनका निजी सहायक अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है, वो कानून का परिभाषा समझा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी, यह सही है कि आपका डिग्री उग्री पर संदेह है, लोग आत्मा नोमा क्या है नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में तो आप विशेष रहे, अपराध के मामले में तो आप विशेष रहे, राजबल्लभ यादव, साहबुद्दीन, ऐसे सारे लोग आपके सानिध्य में रहे। तो पुलिस मैनुअल होता है, ऑल इंडिया सर्विस कोड होता है, किस कोड में लिखा हुआ है, आप अपने पिता के संपत्ति के वारिस बन जाइएगा। 26 वर्ष में 26 संपत्ति अगर आपने जमा किया तो आपके पिता की संपत्ति थी ना, जो अनैतिक तरीके से संग्रह किया गया था, तो उस संपत्ति पर आप ताला चाबी लेके क्यों बैठे हुए थे, क्यों कंपनी आप खोल रहे थे, ये आपको जवाब देना चाहिए। भाई भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी अगर उनके पिता राज्यसभा के माननीय सांसद हैं तो पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है गाड़ी पर नहीं चढ़ना है, ऑल इंडिया सर्विस कोड में आईपीएस का लिखा हुआ है नहीं चढ़ना है। तो पेट दर्द अगर कर रहा है अपराधी के बचाव में तो माथा दर्द से संभव नहीं है। जनता आपको अच्छे से पहचानती है, इसका रोल मॉडल कौन है, साहबुद्दीन, इसके रोल मॉडल कौन है, राजबल्लभ यादव, इसके रोल मॉडल कौन है, मनी यादव, अनंत सिंह, जितना है राजनीतिक दुर्जन, इस सब के बीच पीताम्बर आया राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी का एक आरोप यह भी था कि वो जो गाड़ी है वो आप ही के पार्टी के विधान परिषद की गाड़ी है, और उन्होंने यह भी खुलेआम आरोप भी लगाया है कि जो गाड़ी है वो आरसीपी टैक्स में दिया गया है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने काफी मुखरता से कही है। पूरा नाम लेने में लाज लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है, पूरा नाम लीजिए, संज्ञा में नहीं, सर्वनाम में नहीं चलेगा, संज्ञा में पूरा नाम लीजिए। हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कि जरा पूरा नाम लेके देखिए, ऐसा मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे ना कि जन्म जन्मांतर उतनी पुष्ट याद रहेगा। इस तरह का आरोप बेमतलब का है भाई। सवाल इस बात का है कि भारतीय पुलिस सेवा की पदाधिकारी किस उद्देश्य के लिए गई थी, एक आपराधिक व्यक्ति को लाने के लिए जिसमें मुकदमा दर्ज है, तो अगर इस गाड़ी का हमने इस्तेमाल किया तो वहां बिहार पुलिस की गाड़ी उपलब्ध थी क्या, क्या कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि फला गाड़ी से आपको नहीं जाना फला गाड़ी से जाना है। इस ढंग की बात जो लोग करते हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है और मीडिया ट्रायल कराना चाहते हैं। हम तो अनुरोध करेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी कि अगर आपको लगता है कि आपके तर्क में दम है तो पिता तो सजा याफ्ता है, उनको तो अब चुनाव ना उसको मतलब है नहीं, तो राज्यसभा का कार्य संचालन नियमावली पढ़ लीजिए, पुलिस मैनुअल पढ़ लीजिए, ऑल इंडिया सर्विस कोड पढ़ लीजिए। अब अगर नहीं पढ़ सक आपको पढ़ने में भी दिक्कत है क्योंकि आपको जानकारी उनकारी का अभाव है, पढ़ाई लिखाई किए नहीं है, तो कोई अच्छा आउटसोर्सिंग एजेंसी को कर लीजिए। रख भी लिए देह व्यापार के आरोपी को तो उससे क्या सीखिएगा। बिहार के कई बड़े नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जो वर्तमान विधायक के ऊपर AK-47 के लिए छापामारी की गई है वो एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के कई लोगों ने किया है, और जो दुर्भावना के तहत जो जिस प्रकार से कुछ वर्षों में आपके वर्तमान नेता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कुछ मनमुटाव हुआ, और ललन सिंह ने चुनाव के वक्त यह भी कहा था कि होम्योपैथिक इलाज करेंगे, तो ये सब पहले ही से एक साजिश के तहत नहीं किया गया क्या। राजबल्लभ यादव क्या कहा था कि हम ही बलात्कारी हैं, भी कहा था फंसा दिया गया। साहबुद्दीन क्या कहा था, हमको फंसा दिया गया। साहबुद्दीन के समर्थक क्या बोलते थे, अल्पसंख्यक इसी के चलते हमको परेशान किया जा रहा है। राजबल्लभ यादव के समर्थक क्या कह रहे थे कि फला जाति के हम इसके चलते हमको फंसाया जा रहा है। तो अनंत सिंह मैंने तरेत पीठ के महंत है क्या, सोनपुर पीठ के महंत है कि बड़हिया के महंत है, कहाँ के महंत है भाई इन लोगों के। और कौन कहता है फंसा दिया गया, कि 52 केस में कौन फंसा दिया था, अपने गांव में जो मर्डर में कत्लेआम किए थे उसमें कौन फंसा दिया था,
इतने इतने नहीं, पूरी बात मुझे कहने दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि अनंत सिंह जैसे लोगों को हाई कोर्ट ने कहा है, जो लोग मदद करना चाहते हैं ना, उनको जानकारी देना चाह रहे, हाई कोर्ट ने कहा है कि सोसाइटी के लिए ट्रेजिडी है। कृपा करके अगर आपको लगता है कि अनंत सिंह को फंसा दिया गया तो वो बेचारा तो जेल में बिलबिला रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को इंटरवेनर कोर्ट में बन जाना चाहिए। ये प्रमाण उनके पास है, उनको पता है कि 14 साल से घर नहीं गए हैं, तो भाई का श्राद्ध कहाँ से किए थे, बेटी की शादी कहाँ से किए थे, चुनाव कहाँ लड़ने गए थे, केयर टेकर किसके घर का था, किसका घर का केयर टेकर था, किसके घर में रखा हुआ था, ये सारे तथ्य हैं। लेकिन चूंकि मीडिया ट्रायल कर करके एक अपराधी को महिमा मंडित करना, उन्हीं में श्री बाबू की आत्मा लोग खोज रहे हैं, सर गणेश दत्त की आत्मा खोज रहे हैं, तो वैसे लोग बेचैन आत्मा का कौन इलाज है। मीडिया ट्रायल कराते रहे, उनको तो लग रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति से भी पोर्टल चला रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति बना दिए। तो कम से कम अपराध की सुपारी लेकर के मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो नई पीढ़ी के साथ, ये उसकी मनोदशा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो एक जो वो आपके जब पार्टी के नेता थे तो दर्जनों केस उस वक्त भी था, तब भी नीतीश कुमार के वो काफी करीबी माने जाते थे, तो उस वक्त भी वो अपराधी थे और आज भी अपराधी हैं। तो इससे तो जदयू पीछा नहीं छोड़ा सकते, तो उस वक्त क्यों नहीं वो आतंकी थे या अपराधी थे? जदयू उस वक्त तो एक एक तस्वीर आता है, बार बार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इसलिए सवाल, नीतीश कुमार जी उनके सामने हाथ जोड़े हुए थे तो इस तरह से, और चांदी के जब सिक्के पे तोल रहे थे उस वक्त भी उन पे केस था। अनंत सिंह फ्रॉड है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। वो लखीसराय में विशेष दर्जा के अवसर पर संकल्प रैली था, मैं भी रैली में उपस्थित था, वाल्मीकि सिंह थे, सारे लोग उस फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, जो माननीय विधायक थे वो सारे लोग फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उस रास्ते से जा रहे थे। फ्रॉडिज्म करता है, कट पेस्ट करता है, जरा बताए ना। तो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 2 बार जेल गए थे, क्या कह रहे थे, जयकारा। इस बार जब जेल से निकले थे तब क्यों जयकारा कर रहे थे? कुट्टूस यादव हत्याकांड के बाद जब जेल से बाहर आ रहे थे तो क्या है, ये चलाइए। उसमें तो कह रहे थे नीतीश कुमार से बेहतर कोई नेता नहीं है। अभी कहा था उन्होंने, ये तो कोई नहीं चला रहा है पोर्टल, ये चलाना चाहिए। क्यों कहा था कि हम आएंगे मीडिया से बात करेंगे और हम तब तब सरेंडर करेंगे, तो कोई नहीं पूछा। उनके समर्थक से पूछना चाहिए था क्यों डर गए, अगर बाहुबली है तो डर किस बात का है। 2 बार जेल जाना पड़ा है और मुझे स्मरण नहीं है लेकिन 24 या 25 मुकदमे उस कार्यकाल में हुए। मरौवत हम लोगों ने नहीं किया है कभी, फिर भी टिकट देते रहे। उसके बाद बता रहे हैं कब का जजमेंट है, हाईकोर्ट ने कब कहा कि ट्रेजिडी ऑफ सोसाइटी, उसके पहले हमने प्राण छुड़ा लिया। ये सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात के लिए बधाई नीतीश कुमार जी को नहीं देना चाहिए कि बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में एक दागी को मंत्री नहीं बनाया, ये बधाई का पात्र नहीं है। भ्रष्टाचारी, अपराधी, और इससे बड़ा और क्या पैमाना होगा नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस का, कि जिस पर हमारी सरकार निर्भर थी महागठबंधन में, विधायक थे राजवल्लभ यादव, हम लोग छोड़ दिए। मैंने हाल तो ये है कि राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई हो तो मुस्कुराहट हो, और अगर अशोक महतो पर कार्रवाई हो तो और जरा मन ठीक हुआ कि भाई उस पर कार्रवाई होगी। शहाबुद्दीन पर खिलखिला के हंस पड़े कि भाई शहाबुद्दीन पर कार्रवाई बड़ा अच्छा हुआ, और अनंत सिंह पर हुआ तो छुटका लग गया कि राजनीति के ही वंश गोत्र के लोग हैं, क्या है आखिर समाज के अंदर में। और उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जरा सा लदमा गाँव चले जाए, मोकामा चले जाए, और उन विधवाओं और बेवाओं से पूछें कि तुम्हारे मांग का सिंदूर उजड़ा उसका गुनाहगार कौन है, और उससे जाकर के उनके बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे पापा नहीं रहे, तुम्हारे चाचा नहीं रहे, तुम्हारे पर साया तुम्हारे ऊपर से हट गया, कौन गुनाहगार है। और हम तो कह रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर भगवान पर भरोसा है तो उनके गाँव में माँ ब्राह्मणी का मंदिर है, वहीं जाके गुनाह कबूल करिए कि हमने किया है कि नहीं। इतने आरोप होने के बाद भी उनके प्रति लोगों का जो एक क्रेज है, जो एक सब मीडिया क्रेज है, मीडिया क्रेज है, चलिए ना मोकामा में, कौन लिख रहा है या देख लीजिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कौन लोग है, ये सब प्रायोजित है। जिसके घर जिसके मन पर गुजरता है उसी को पता चलता है। 149 मर्डर का मोकामा गवाह है, 149, और लदमा गांव है 17 मर्डर का। भाई राम रहीम की पूजा नहीं लोग करता था,
आसाराम बापू की लोग पूजा नहीं करता था, इसका मतलब वही आइकॉन हो गया, वही समाज में आइकॉन है। मतलब क्या है, मतलब क्या गुण है? ये मीडिया ट्रायल लोग चला रहे हैं, मीडिया के लोग राजनीति में सुपारी ले लिया है ऐसे लोगों के लिए। फिर भी 4-5 दिन से जिस प्रकार से युवा रोड पे निकल के आ रहे हैं, तो कहाँ युवा, अभी तो युवा देखिएगा, अभी कोई पोर्टल नहीं चलाएगा। हमें अभी जानकारी भी फोन में हमारे पास आया कि अभी वहां पर जो उसके पीड़ित परिवार हैं उन लोगों ने प्रदर्शन किया, वो तो किसी का न्यूज नहीं बनेगा, वो तो किसी का न्यूज नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको कोई न्यूज पोर्टल नहीं चलाएगा, इसलिए कि उनको चालीसा पढ़ना है। तो चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता ने शहाबुद्दीन चालीसा भी देखा है, उस समय भी ये खौफ वातावरण बनाया गया था, राजवल्लभ यादव के समय भी वातावरण बनाया गया था, अशोक महतो के समय भी वातावरण बनाया गया, वातावरण बनाते रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है? नकारात्मक चीजें नई पीढ़ी के लोगों के दिमाग में देख कर करके ना अपना अपना भला तो आप कर रहे होंगे कि आपका टीआरपी बढ़ जाए, समाज के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कामयाबी मिली है इस मामले में, कई सालों से आप लगे हुए? हम तो कुछ छोड़ दिए क्या, हम राजवल्लभ यादव को छोड़ दिए? हमारे क्षेत्र के विधायक थे, हमने छोड़ा नहीं है, हम उसे अंतर नहीं पड़ते हैं करते हैं। शहाबुद्दीन का अलग गोत्र है, राजवल्लभ का अलग गोत्र है, शहाबुद्दीन का अलग गोत्र है, अनंत सिंह का अलग गोत्र। उस मामले में अपराध और भ्रष्टाचार पर हमने अभी तक कोई समझौता 10 वर्षों से नहीं किया है और न करेंगे। ये बात कर रहे हैं तो वर्तमान मंत्री नीरज कुमार जी से, इन्होंने जो बातें मुखरता से कही है, इतनी मुखरता से जाने वाले कम लोग हैं। और भी कुछ सवाल करेंगे गजका से, मैं रवि कांत।